हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में फिर से। तो दोस्तों सुबह हो गई है यार और मैं उठ गया हूँ। रात को ना बारिश भी होती रही यहाँ पे, और ये गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे हो बगल में से जा रही है रोड पे, तो बारिश की बूंदें कुछ आपको दिखाई दे रही होंगी बाहर वाला जो कवर है उसमें, और हल्का हल्का यार इसमें भी आ जाता है अगर टच होता है इसमें तो इसमें भी नमी आ जाती है। तो फिलहाल अपन लोग उठते हैं, अपना जो बिखेरा हुआ सामान है सब पैक वैक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं सीधे जिस्पा के लिए। तो भाई अपनी कुछ ऐसी लोकेशन है बादलों के बीच में, आया यहीं पे बिल्कुल बादल लगे हुए देखो बगल में मेरे, और ऊपर वो चोटी में बर्फ है उधर। तो ऐसी कुछ लोकेशन पे अपन कैंप किए हैं। ये मेन हाईवे है, वहाँ से सीसू से आया हूँ मैं और यहाँ पे आके रुक गया था। ये रेस्टोरेंट है, तो अभी रेस्टोरेंट सब कुछ हो के फिर मिलते हैं आपसे। और मैंने इसे बांध रखा है इसको टेंट को, ताकि इधर से पानी बह के नीचे गिर जाए। सो दोस्तों अपनी गाड़ी तैयार है, पूरी सवारी एकदम वॉल्वो बस, सब कुछ। मौसम भी साफ हो गया, काफ़ी धूप निकल आई है। तो अब निकलता हूँ जिस्पा के लिए यहाँ से। अपने गोप्रो के बैटरी सब चार्ज कर लिया है, साथ में अपने जो पावर बैंक वो भी चार्ज हो गया है। बस फ़ोन की बैटरी थोड़ा सा डाउन है, तो उसी का प्रॉब्लम रहेगा, उसको आगे चार्ज कर लेंगे। तो दोस्तों नाश्ता अभी कर लिया है, और ये हैं हमारे अंकल जी, इनका है ये होटल। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बिहेवियर अंकल का, साथ में आपको जो मैंने बताया था कैंप्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं, अगर आप मनाली से ले जा रहे हैं तो आप सीधे अटल टनल क्रॉस करने के बाद, सीसू मार्केट क्रॉस करने के बाद सीधे यहाँ पे मिल सकते हैं। मदर टच नाम से है जो रेस्टोरेंट, वो मैंने कल भी बताया था कल के वीडियो में, आज फिर बता रहा हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया प्राइसेस भी हैं और खाना भी बहुत बढ़िया है। और ये हैं हमारे भाई लोग, ये भी उत्तराखंड से ही हैं। अच्छा लगा इन सब के साथ, और बढ़िया हेल्प करी अंकल ने भी मुझे टेंट लगाने के लिए, वहाँ परमिशन दे दी थी। तो मैं तो साइकिल से आया हूँ, तो अंकल ने मुझसे बिल भी बहुत कम लिया है और चाय वाय के पैसे भी नहीं लिए। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। तो आप लोग आना अंकल जी के होटल में, ठीक है, चलते हैं फिर अंकल जी। बाय 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 बाय, ओके ठीक है भाई, ओके जी, अच्छा लगा यार, ओके। और भाई ठीक है फिर, भाई लोगों मिलते हैं भाई लोगों से, आप लोग भी आओगे तो इन सब से मिलना पक्का, बहुत अच्छे लोग हैं यार, वीडियो देख लेना कल सुबह। तो चलते हैं, आप अभी यार अपनी बाइक निकालते हैं, पैक है मामला सब, धूप तेज है लेकिन हल्का हल्का ठंडा है, चलते हैं। तो भाई मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से, और यार मज़ा आ गया, कैंपिंग का भी बहुत बढ़िया रहा और सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा यार, इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि कैसा मिलेगा। तो कुछ भी एक्सपेक्टेड रहता नहीं है ऐसे सोलो राइड में, जहाँ पहुँचो वहाँ पे ढूंढ लो जगह। तो अब आगे ढूंढनी है हमको जगह, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं आज और कैसा रहता है। वैसे मैंने टारगेट किया है 51 किलोमीटर अपना जो है जिस्पा का, फिलहाल चलते हैं फिर देखते हैं। एक तो चढ़ाई ऊपर से, फिर ऐसे जानवरों के फोटोज़ लगा लगा के इन्होंने अलग डरा रखा है, एक्सक्लूसिव स्नो लेपर्ड भाई, तो मतलब स्नो लेपर्ड भी है इधर, तो डराओ मत यार। वैसे ही हालत ख़राब है चढ़ाइयों में। तो दोस्तों अभी टांडी बचा हुआ है 15 किलोमीटर, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है यार, मतलब यहाँ पे क्या हर जगह है, देखो इधर क्या है ना झरना गिर रहा है उधर ऊपर से, और बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वो ना जम रखा है उधर नीचे जहाँ पे गिर रहा है, उसके बाद वो जम जा रहा है पूरा। देखो आपको, आपने ऐसा झरना देखा कभी, दो दो बन रहे हो, बड़ा मस्त है यार। तो मुझे लगा कैप्चर करके आपको दिखाना चाहिए, और अभी ये वाला जो वीडियो है मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? तो अभी चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे, कुछ ऐसा आकर दिखेगा तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दोस्तों आपको जब भी आप अटल से निकलने के बाद जिस्पा की तरफ जाएंगे सीसू से, अभी तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जिस्पा की तरफ ही जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे जल स्रोत बहुत सारे मिल जाएंगे, तो बस बॉटल कैरी करो और उसमें पानी भरते रहो। उससे पहले तो मेरे को कहीं नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हैं, तो पानी भरता हूँ, पीता हूँ, फिर निकल लेता हूँ आगे।
इन पहाड़ों में भी साइकिल चलाने का यार अपना अलग ही मज़ा है। कभी तो ये पहाड़ चढ़ाई दिखा करके पूरा पसीना उतार देते हैं यार, और कभी कभी ऐसी ढलाने दे करके सब गाड़ियों को भी पछाड़ देते हैं। तो यार साइकिलिंग कभी पहाड़ों पे जरूर करना, अगर आपने नहीं किया तो बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल मैं काफ़ी जो हाइट है गेन की थी वो सब एलिवेशन लूज़ कर रहा हूँ, और अभी आधे किलोमीटर की करीबन ढलान हो चुकी है। तांडी बचा हुआ है 11 किलोमीटर्स, तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो भाई अब शुरू हो गए खतरनाक वाले पहाड़, जो बिल्कुल मिट्टी गिरने वाले हैं ना ऊपर से ही देखो। तो यहाँ पे यार फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पहाड़ है, और यहाँ अगर ज़्यादा देर रुके तो भाई कभी भी हल्की सी बारिश में तो पूरी मिट्टी बारिश के वैसे भी आ सकती है नीचे, बहुत खतरनाक है। और नदी बिल्कुल पास में आ गई है, बिल्कुल पास। और अभी हम लोग डाउन 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 जाते जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा अप जा रहे हैं, फिर डाउन जा रहे हैं। तो देख रहे हो कितनी खतरनाक नदी है भाई, मिट्टी वाला पानी। चलो निकलते हैं इधर से यार, बहुत खतरनाक व्यू है यहाँ का। तो गाइस मैं अभी हूँ तांडी ब्रिज के पास, और यहाँ से अभी जाना है मुझको जिसपा कितना है तो पता नहीं, बट अभी मैंने चला लिया है करीबन 24 किलोमीटर सुबह से। तो तांडी ब्रिज के पास यहाँ पे मैं लंच कर रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट का नाम है सोनम ढाबा। दोस्तों काफ़ी गर्मी सी होने लगी है अभी, धूप क्योंकि बहुत तेज आ रही है। लंच वंच हो गया है, लंच में मैंने राजमा चावल खाया, वहाँ पे बढ़िया बना था यार, और चावल भी अच्छे थे। और मैंने दो बार लिया तो उन्होंने 100 ही रुपए लिए मुझसे, शायद 100 ही का 100 में हो जाता है, 100 में भर पेट राजमा चावल आप खा सकते हो, और टेस्टी भी था, चावल भी मस्त थे। तो आप भी आओगे तो यहाँ पर लंच कर सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं आगे। अब लेह बचा है 363 किलोमीटर, और केलोंग यहाँ से बचा हुआ है 9 किलोमीटर। तो भाई लंच करके निकला ही था, अराउंड 2 किलोमीटर चलाया था, तो भाई लोग मिल गए अपने यार। हाय ब्रो। हाय 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 ब्रो। तो भाई लोग आगे आके रुक गए थे। कहाँ से आ रहे हो आप लोग भाई? पंजाब से पठानकोट से। तो यार ये पंजाब के अपने भाई लोग हैं, पंजाब के जितने भी भाई लोग मिल रहे हैं सब औसम है यार, औसम। हमारा भाई भी औसम है यार। औसम के नाम है विवेक, विवेक सुनील, मानिक, मोहित। तो भाई लोग डॉक्टर साहब। तो ये भाई लोग हैं अपने, अभी आगे भी क्या पता मिल जाए। ले में ले जा रहे हो? नहीं नहीं भैया, ले नहीं आ रहे, केलोंग तक जा रहे। चलो ठीक है, कोई नहीं, केलोंग में मिलना। ओके भैया, ठीक है, ओके। दोस्तों वहां से आया हूँ मैं अभी, वो पहाड़ों के बीच से घूमते इधर से और फिर बाइक को मैंने यहाँ पे खड़ा किया है। और यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा देख के मैं रुक गया यार। ये जो केलोंग वैली है ना, काफ़ी खूबसूरत है यार। नीचे देखो खेत कितने मस्त हैं, और ये सामने पहाड़ देखो यार, मतलब यार मज़ा ही आ गया। मन कर रहा है कि यहीं कहीं रुका जाए और यहीं पे सोया जाए मज़े से यार। आज कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पे आपका दिल आ जाता है, तो ये कुछ ऐसी जगह है। तो फिलहाल हमको तो आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें पहुँचना है जिसपा। टाइम से पहुँचेंगे तो टाइम से वीडियो एडिट होगी, टाइम से सब कुछ होगा, और टाइम से ही कैंप भी लग जाएगा। तो चलते हैं जिसपा। तो भाई आज 3000 मीटर से भी ऊपर साइकिलिंग चला ली यार, मतलब 3000 मीटर से ऊपर की हाइट में मैं अभी हूँ और साइकिल चला रहा हूँ। और चलाते चलाते यार हालतें ख़राब हो गई। फिलहाल इस धूप ने अलग वाइट लगा रखी है, इतनी धूप है, और मेरे को ना पता नहीं क्यों जब भी धूप में चलाता हूँ तो नींद आती है। और कल रात भी यार नींद लेट में आई, मुझे दोस्तों से बात हो रही थी तो बात होते ही 12 कब बजे पता नहीं लगा। उसके बाद आधी एडिटिंग करी और फिर मैं सो गया, फिर जल्दी उठ के एडिटिंग करने लग गया, तो उसकी वजह से शायद मेरे को अभी दिन में नींद भी आ रही है। तो मैं यहाँ पे रुक के बैठ गया हूँ, और बाइक को मैंने खड़ा कर दिया है घर पे, क्योंकि बाइक यार खुद से खड़ी नहीं हो पाती है ना, उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो बाइक के अकॉर्डिंग मेरे को रुकना पड़ता है, कहीं भी रुकता हूँ तो यार जहाँ बाइक को खड़ा होने की मिल जाए ना आ, वहीं पर रुकना पड़ता है। अभी तो थकान लग रही, बहुत नींद आ रही है, और उधर से काले काले बादल भी आ रहे हैं यार, पता नहीं क्या होगा। आप कैसे पहुंचूं जिसपा? जिसपा का रास्ता बड़ा टफ पड़ रहा है। तो भाई अगेन ये खतरनाक वाली सड़कें शुरू हो गई हैं, बड़ी खतरनाक है यार ये सड़कें।
लेकिन मज़ा भी इन सड़कों में आता है, मज़ा आता है, बड़ा एडवेंचर सा होता है, ऐसा लगता है। वो वीडियो में हम ही चल रहे हैं जिसमें दिखाते हैं कि इंडिया इज़ डेंजरस रोड्स। अब इस नज़ारे के लिए क्या ही बोलूं, बस आप देखो और एंजॉय करो भाई। पत्थर भी गिरने का खतरा है पूरी रोड में, नीचे नदी है, पूरी इतनी बड़ी वैली है और चढ़ाई। दोस्तों अभी करीबन 3500 मीटर की हाइट पे पहुंच गया हूँ मैं, उधर से पूरा चढ़ते आया हूँ, केलोंग्स के पीछे गई है तो वहाँ से काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी, इधर से पूरा घूमते अभी फिर ये वाली चढ़ाई है, देन इसके बाद जाके कहीं जिस्पा आएगा, जिस्पा अराउंड अभी बचा है 14 किलोमीटर्स, तो अभी फटाफट से पहुँचते हैं जिस्पा क्योंकि अभी बादल भी आ गए ऊपर से, थोड़ी देर में सूरज ये पहाड़ों के पीछे चला आएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, तो हमको कैंपिंग के लिए लोकेशन भी ढूंढना है। तो भाई अब जो नज़ारे हैं ना बड़े ही अद्भुत हैं यार जिस्पा के लिए, वो सब चढ़ाई चढ़ी थी, अब उसको उतर रहा हूँ नीचे, इसका मतलब कल फिर से चढ़ना पड़ेगा। तो भाई इस साइड सही है, अभी धूप पहाड़ से कवर है पूरा और सामने का व्यू इतना औसम है यार, मज़ा ही आ गया, वापस से एनर्जी आ गई, जितनी चढ़ाई चढ़ के ख़त्म हुई थी ना एनर्जी वहाँ पे पीछे यार चढ़ाई में, मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई थी, बोला भी नहीं जा रहा था मुझसे, बट अभी फिर से यार एनर्जी आ गई है, इतना सिनेमैटिक टाइप का जो है ना व्यू, वाह यार क्या व्यू है भाई, मज़ा ही आ गया। अब जिस पर बचा है 7 किलोमीटर बस, और 7 किलोमीटर में थोड़ी ढलान है, थोड़ी चढ़ाई है, बस सही है, और नीचे से नदी आ रही है, क्या खूबसूरत लग रही है नदी यार, मज़ा ही आ गया। बहुत मेहनत हो गई, बहुत थकान लग गई यार, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, लेकिन उन सब मेहनतों का फल हमको मिल चुका है और मैं पहुंच चुका हूं जिस्पा। तो दोस्तों जिस्पा पहुंच चुका हूं, मज़ा आ रहा है, बस 0 किलोमीटर ढूंढने के चक्कर में मैं आगे आ गया हूं, सिटी तो पूरा पीछे रह गया उधर वहाँ पे, और ये है जिस्पा 0 किलोमीटर। तो हम अभी हैं जिस्पा में दोस्तों, तो अब चलते हैं कहीं पे टेंट वेंट लगाने का, ढूंढते हैं कुछ, वैसे तो पीछे मेरे को लगा नहीं यार कहीं पे कि टेंट लगा सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं, बट फिर भी देखते हैं कुछ, पता करते हैं भाई, क्या पता आपके भाई को कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाए। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जिस्पा में, और यहाँ पर मुझे कैंप करने के लिए जगह मिल गई है, वीरू भाई ने बात की है इधर तो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, घास पूरी गीली है, थोड़ा सूखे में करना पड़ेगा, फिलहाल करते हैं इधर ही सारा सामान लोड, पिच कर देते हैं इधर कहीं भी यार, वैसे वाटरप्रूफ है, कुछ होना नहीं है, तो चलो फटाफट पिच करते हैं उसके बाद आराम करते हैं। सो फाइनली अपना जो टेंट है वो इधर पिच हो गया है, और अपनी बाइक मैंने इधर लॉक करके इसे बांध दी है, बाकी मैं घुसता हूँ टेंट के अंदर, एडिटिंग वगैरह करता हूँ और पानी वानी ढूंढता हूँ कहीं, क्या पता करता हूँ बाद में करूंगा, वो सब पहले एडिटिंग कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने आलीशान महल के अंदर, क्योंकि अपना ये है देखो क्या मस्त महल है, सारा सामान इसके अंदर है, साइकिल लॉक करके सब कुछ कर दिया। तो फाइनली दोस्तों वीडियो में आज के इतना ही, बाकी आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसमें लाइक भी दबाया करो यार, लाइक का बटन भी होता है, लाइक दबाया करो और शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दो, बाकी जो नहीं कर रहे हैं तो वो भी प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो कल की जो लोकेशन होने वाली, कल मैं जाऊंगा बारालाजला पास, शायद मुझे क्रॉस करना होगा, देखते हैं कल क्या होता है, आज तो काफ़ी चढ़ाई थी यार, तो कल उससे भी ज़्यादा होने वाली है, मिलते हैं कल।